हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने बिलासपुर के इतिहास के बारे में जाना था कि बिलासपुर का पुराना नाम क्या था, इसकी स्थापना कब हुई, किसने की। इस वीडियो में हम बिलासपुर के बारे में कुछ और नया जानेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। बिलासपुर को सतधार कहलूर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सात पहाड़ियाँ हैं। नैना देवी पहाड़ी, इस पहाड़ी पर नैना देवी जी का मंदिर है। कोट कहलूर किला और फतेहपुर किला इस पहाड़ी पर स्थित है। कोट पहाड़ी, कोट धार में बछेटू किला स्थित है। झांझिया धार, सिर खड़ी से दो भागों में बांटता है। यहाँ पर गुग्गा गहरवी और देवी भंडौली का मंदिर है। त्यून धार, त्यून किला, पीर पियानो का मंदिर, स्यून किला और नौरंगगढ़ किला इस पहाड़ी पर स्थित है। बंदाला धार, यह धार 17 किलोमीटर लंबी है। रतनपुर पहाड़ी, इस पहाड़ी पर रतनपुर किला स्थित है जिसमें डेविड ऑक्टर लोनी ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराया था। बहादुरपुर पहाड़ी, यहां बहादुरपुर किला स्थित है जो 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान है। ये किला राजा बिजाई चंद का ग्रीष्मकालीन आवास था। अब हम नदियों की बात कर लेते हैं। सतलुज नदी कसौल से बिलासपुर में प्रवेश करती है और नैना गांव से बिलासपुर को छोड़ पंजाब में प्रवेश करती है। बिलासपुर जिले में अलीखट, गब्बर और सीरखट सतलुज की प्रमुख नदियां हैं। सीरखट सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बिलासपुर सीरखट में बालघर के पास सुक्कर खड्ड मिलती है। सीरखड्ड हटवार से बिलासपुर में प्रवेश कर सेरी के पास सतलुज में मिलती है। गब्बर खड्ड शिमला जिले से निकलकर नेरी गांव से बिलासपुर में प्रवेश करती है। डंगरान के पास गब्बर खड्ड सतलुज में मिलती है। अलीखट सोलन के अर्की से निकलकर कोठी हरार से बिलासपुर में प्रवेश करती है। अलीखट बेरी घाट के पास सतलुज में मिलती है। बिलासपुर जिला टैंक के लिए प्रसिद्ध है जिसे स्थानीय भाषा में टोबा कहते हैं। यहाँ पर जगतखाना टैंक, स्वारघाट टैंक, टैंक संगवाना है। जगतखाना टैंक का निर्माण 1874 ईस्वी में राजा हीराचंद ने किया था। स्वारघाट का निर्माण भी 1874 में हुआ है और राजा हीराचंद ने किया था। टैंक संगवाना का निर्माण राजा विजय चंद ने किया था। इसके अलावा बिलासपुर में कसोल टैंक, जमथाल टैंक, रिवालसर टैंक, नैना देवी टैंक स्थित है। बिलासपुर में चश्मों की बात करें तो बस्सी और लुंड है। बिलासपुर में गोविंद सागर झील है जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण सतलुज नदी के पानी से हुआ है। भाखड़ा बांध इसी नदी पर बना है। इस झील का क्षेत्रफल 168 वर्ग किलोमीटर है। भाखड़ा बांध की आधारशिला 1955 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी है। इस बांध की ऊंचाई 225 मीटर है। यह बांध 1963 में बनकर तैयार हुआ। गोविंद सागर झील से बिलासपुर जिले के 256 गांव जलमग्न हो गए थे। आज इस वीडियो में हमने बिलासपुर के पहाड़ियों, नदियों, टैंक, चश्मे और झील के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।